वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने वो कर दिखाया जो उनसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। व्हाट अ डेब्यू, क्या वाशिंगटन सुंदर का डेब्यू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही चारों चाने चुस्त कर दिया है वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने। जिस टाइम इंडिया के 166 रन पर जिस टाइम मयंक अग्रवाल आउट हुए हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल गया तो लग रहा था कि इंडिया अब दब न जाए, लेकिन उस मौके पर मर्द बुरहान बने हैं वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर और उन्होंने जो इनिंग्स खेली है यकीन ये एक वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट इनिंग करार दी जाए गलत नहीं होगी। डेब्यूटेंट ने जिसने आज खेल पेश किया और खुसूसी तौर पर वाशिंगटन सुंदर ने क्या डेब्यू है, ऐसा डेब्यू ड्रीम डेब्यू अगर किसी खिलाड़ी का करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा, वो भी गाबा में ऑस्ट्रेलिया के मैदान में गाबा में जिस तरह ब्रिस्बेन में जिस तरह की डेब्यू किया। शुरू में बात करें पहले बॉलिंग में 3 विकेट्स लिए 89 रन देकर पहली विकेट जो मिली है वाशिंगटन सुंदर को वो इस टाइम आईसीसी का नंबर वन बैट्समैन जो है यानी कि स्टीव स्मिथ की पहली विकेट जो वाशिंगटन सुंदर ने डेब्यू में ली है वो स्टीवन स्मिथ के लिए है। और आज किस तरह की शानदार बैटिंग की, अंडर प्रेशर थे जिस टाइम वाशिंगटन सुंदर आए थे क्योंकि उसके बाद मयंक अग्रवाल भी आउट हुए और उसके बाद फिर बात करें शार्दुल ठाकुर, इन दोनों ने एक किस्म की काई पलट दी और ऑस्ट्रेलिया की जो थोड़ी बहुत भी उम्मीदें थी इस टेस्ट मैच को जीतने की वो अब बिल्कुल खत्म हो गई। और इंडिया ने क्या, ये इंडिया की टीम है कि जिस टाइम सारे प्लेयर्स अनफिट थे, जिस टाइम रविचंद्रन अश्विन अनफिट हुए, जिस टाइम बुमराह अनफिट हुए तो वहां पर वाशिंगटन सुंदर आए, वो कहते हैं मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं अपनी टीम को जिताऊंगा। ये टीम स्पिरिट होती है, ये टीम मैन होते हैं। शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेटें ली और क्या जबरदस्त हाफ सेंचुरी लगाई। अब ये नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स विराट कोहली ने क्या जबरदस्त मुबारकबाद दी है, वीवीएस लक्ष्मण ने बड़ी जबरदस्त मुबारकबाद दी और वीवीएस लक्ष्मण ने ये भी कहा कि ये एग्जांपल सेट किया है वाशिंगटन सुंदर ने कि बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करना सीखे क्योंकि टीम के लिए एट द एंड बैटिंग में भी काम आ जाती है। तो तीसरा वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने एक फिफ्थ हाफ ऑफ सेंचुरी लगा के टीम को अब इस सिचुएशन पर लिया कि अब टीम की जीतने की उम्मीद है। कल तक कोई भी इंडिया से ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इंडिया जीत भी सकता है और आज इस टाइम 186 रन पर आउट हुए मयंक अग्रवाल, वहां पर तो अब काफी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी क्योंकि 5 आउट इंडिया के हो गए थे और अब उम्मीद खत्म थी कि अब छठा जिसमें ऋषभ पंत आउट हुए वहां पे तो मैच ही बिल्कुल वो क्लियर हो गया था कि अब बड़े मुश्किल हो गए और अब चांसेस कम है, लेकिन वहां पर हिम्मत दिखाई वाशिंगटन सुंदर ने और शार्दुल ठाकुर ने और जिस तरह की इन्होंने बैटिंग किया आपने देखे पुल जिस तरह लगाए हैं। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया का जो बेस्ट बॉलिंग अटैक था मिचेल स्टार्क पैट कमिंस ये तो समझ रहे थे शुरू में कि हम तो इनको ऐसे यू आउट कर लेंगे, लेकिन जिस टाइम फिर इन्होंने इनिंग्स खेलना शुरू किए एक वक्त में इतने अंडर प्रेशर आ गए थे कि ऑस्ट्रेलिया से चाह रहा था अब हमें किसी भी तरह विकेट मिल जाए, तो इन खिलाड़ियों ने जिस तरह एक मर्द बुरहान बने अपनी टीम के लिए, जिस तरह इन्होंने इंडिया के लिए फाइट दिखाई है, अब मेरा ख्याल है कि ऐसे प्लेयर्स को भी इंडिया को ऊपर मौका देना चाहिए क्योंकि अगर ये इंडिया की बी टीम थी कोई भी इंडिया की ये टीम से तवक्को नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो ऑल टाइम बेस्ट टीम है और ये इंडिया की बी टीम है इसका ये मुवाजना नहीं लग रहा था। एक तरफ इंडिया की टीम को इधर रखा हुआ था इस जगह पे और ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन जिस तरह इंडिया ने इस टीम को खेला इंडिया की टीम यहाँ पे आ गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आ गई है, तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा ऐसे यंगस्टर्स जो अगर टीम के पास होंगे तो फिर इंडिया को कभी भी कोई मुश्किल नहीं हो सकती। बाहर जाकर 1906 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि डेब्यू में 3 विकेटें भी ली है और 7 हाफ सेंचुरी भी बनाई है उस नंबर 7 के बैट्समैन ने, ये 1906 के बाद पहली दफा हुआ तो कितना बड़ा रिकॉर्ड नया है। ये आज फुल क्रेडिट गोज टू वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर का भी कोई कम कारनामा नहीं है, शार्दुल ठाकुर का भी ये दूसरा मैच था तो शार्दुल ठाकुर ने भी जिस तरह 3 विकेट लिए हाफ सेंचुरी लगाई, तो दोनों खिलाड़ियों ने टीम मैन दिखाई है, टीम स्पिरिट दिखाई है और जीत वक्त थी। तो इस टाइम अब सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने 33 रन की लीड ली है, एक वक्त में तो ऑस्ट्रेलिया की लीड 150 की लग रही थी, कहीं ऑस्ट्रेलिया 150 की लीड ना ले जाए तो तब मैच इंडिया के हाथ से मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने शुरू में आउट कर लिया तो ये अब टेस्ट मैच इंडिया के हाथ से जा नहीं सकता, ये तो अब कन्फर्म हो गया कि इंडिया के हाथ से अब टेस्ट मैच जा नहीं सकता। अलबत्ता अगर कोई बहुत ज्यादा कोई मिरेकल हो जाए तो तब कोई चांस है, वरना अब ये टेस्ट मैच इंडिया के हाथ से जा नहीं सकता क्योंकि अब अगर इंडिया ने शुरू में विकेट ले ली और ऑस्ट्रेलिया को 250 के अंदर अंदर या 230 के अंदर अंदर आउट कर लिया तो ये टेस्ट मैच अब इंडिया जीत भी सकता है, तो अब ये बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच हो गया। कोई भी इंडिया की बैटिंग से ये तवक्को नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था कि शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर इस तरह की बैटिंग करके दिखाएंगे। हालांकि यहां तक के जिसने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया था बड़ी तनकीद हो रही थी कि कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स तक पर विक्रांत गुप्ता यानी कि जो इंडिया के एक बहुत बड़े एंकर हैं वो यहाँ तक कह रहे थे स्पोर्ट्स तक पर, विक्रांत गुप्ता ने साफ साफ कहा था कि कुलदीप को खिलाना चाहिए, वाशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती, तो वो भी गलत हुए हैं। तो वाशिंगटन सुंदर ने पूरी बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो गलत किया और अपनी
परफॉर्मेंस से जवाब दिया। यही एक बड़े प्लेयर का काम होता है कि टीम मैन बने परफॉर्मेंस दे। रोहित शर्मा को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, रोहित शर्मा ग्रैब नहीं कर सके। मैं ये कहूंगा कि रहाणे ने भी आज जिम्मेदारी नहीं दिखाई, ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई, और यंगस्टर्स ने जिस तरह परफॉर्म करके दिया, ये इंडिया के लिए आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरह अगर ये यंगस्टर परफॉर्म करेंगे तो इंडिया के लिए तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। पर देश में जाकर इस तरह परफॉर्म करना, यही एक क्वालिटी चाहिए थी और यही एक डिमांड होती है बड़ी टीम से, इस तरह की परफॉर्मेंस दे। तो अब बात करें टेस्ट मैच की, सिचुएशन जो है वो बड़े ज़बरदस्त मरहल में दाखिल हो गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लगभग अब ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन की लीड ली और मैच अब तकरीबन एंड पे आ रहा है। तो यानी कि मैच खत्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा से ज़्यादा 60-70, और अगर एक आधी विकेट इंडिया ने अभी भी निकाल ली तो फिर तो मैच बहुत दूर चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के हाथों से। और इंडिया ने अब मैच में पूरी तरह गिरफ्त हासिल कर ली है, बड़ी एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में जाके दोबारा ये सीरीज जो है वो अगर इंडिया के जीत जाता है तो फिर तो बहुत ही बड़ी कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दोबारा हराना, और ये बी टीम ने अगर ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को हरा दिया तो ये तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए शर्म का मकाम है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लिए शर्म का मकाम है। जिस तरह आपने अपनी टीम को उठा के रखा था, ये इंडिया की इस टीम ने आपकी ए टीम को हरा दिया, तो अगर इंडिया की पूरी टीम खेलती तो ये सीरीज का आप खुद मुवाजना कर सकते थे कहाँ जाती। तो बहुत बड़ी कामयाबी है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को शर्म आनी चाहिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्राउड को शर्म आनी चाहिए। जो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने बिला जवाज आप लोगों ने रेसिज्म किया, आप लोगों ने स्लेजिंग की, क्राउड ने तंग करने की, लेकिन इन प्लेयर्स ने एट द एंड ग्राउंड में परफॉर्म करके दिया। आपके प्लेयर्स ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करते रहे बल्कि चीटिंग करने में ज्यादा लगे रहे। स्टीवन स्मिथ का देखा, उसने आगे चीटिंग की, बार बार उसने बिल्कुल गार्ड चेंज किया बैट्समैन का। फिर बात करें टिम पेन, बार बार स्लेजिंग कर रहे थे, स्लेजिंग करते रहे। तो अगर आप लोगों का ये मैार है आपकी क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का अगर ये मैार है तो बड़ा अफसोस हुआ। और ये होता है कि बातों से गेम नहीं होती है, हमेशा परफॉर्मेंस से बात होती है। तो ये यंगस्टर्स ने जो परफॉर्म करके दिया है, ये टीम मैनिंग और टीम मैन जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। फुल क्रेडिट गोज टू वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, इन्होंने जो इनिंग्स खेली है, एक लाजवाब इनिंग्स खेली है। और बड़े बड़े प्लेयर जो है वो हैरान इस वजह से हुए कि नंबर 7 का बैट्समैन, नंबर 8 का बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में जाके इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ इस तरह परफॉर्म करे, तो ये दलेरों का काम होता है। हमेशा से शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर रह चुके हैं वो भी ये कह चुके हैं कि क्रिकेट जो है वो चिकन हार्टेड प्लेयर्स का काम नहीं है, क्रिकेट जो है वो दिलेरों का काम है, बहादुरों का काम है। तो जिस तरह इन खिलाड़ियों ने बहादुरी दिखाई है, अब मेरा ये ख्याल है कि इन प्लेयर्स को इंडिया आगे भी मौका देगा बड़ी सीरीज में। जब आपके ये प्लेयर्स परफॉर्म करके दे रहे हैं तो आप इनको मौका जरूर दो। वाशिंगटन सुंदर ने मेरे ख्याल में अब इंडिया के लिए आगे सीरीज में भी जगह बना ली है। इंग्लैंड के खिलाफ भी वाशिंगटन सुंदर को मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दी। ये एक टीम मैन होता है। तो इतना जबरदस्त इंडिया को एक स्पिनर मिला है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये आप खुद अब अंदाजा लगा ले। तो इंग्लैंड को भी अब मैं ये कहूंगा कि अब आप तैयार हो जाए, इंडिया की एक फुल स्लेज टीम आ रही है तो आप अब तैयार रहे एक और हार के लिए, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा के आ रहा है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि बल्कि अभी 2 दिन पड़े हैं, लेकिन जो इंडिया ने अभी तक कर दिखाया है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऑस्ट्रेलिया को नीचे गिराना है यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इंडिया ने वो कर दिखाया है जो इस टीम से कभी भी, कम से कम बड़े प्लेयर्स तो कभी भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये टीम, ये वाली जो था खुशी तौर पर गाबा टेस्ट में तो लग रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है कि ये प्लेयर्स तो है ही नहीं, लेकिन इन प्लेयर्स ने जिस तरह हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और जिस तरह परफॉर्म करके दिया। और विराट कोहली जो इंडिया के मेन स्ट्रीम बैट्समैन रह चुके हैं, इनके बगैर इस टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, जिनके रहाणे को मैं क्रेडिट दूंगा, उनकी कैप्टनसी लाजवाब कैप्टनसी थी, जिस तरह उन्होंने एक कैप्टनसी दिखाई और टीम को जेल करके रखा है, विराट कोहली के बगैर इस टीम का जितना बहुत बड़ी कामयाबी है। रोहित शर्मा का परफॉर्म ना भी करना उसके बावजूद इस टीम का जितना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडियन क्रिकेट इसको बहुत अच्छे तक इस जीत को इंडिया अब याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया में। 2018 की जीत भी बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन ये वाली जो जीत है इसको और भी ज़्यादा इंडिया सेलिब्रेट इस वजह से करेगा कि इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम को हराया, इंडिया की बी टीम ने। तो ये आप ऑस्ट्रेलिया को हमेशा, ऑस्ट्रेलिया को अब ये दुख, ऑस्ट्रेलिया को दुख रहेगा और इंडिया इसको हमेशा सुनहरी कागजों में, अब इसको तारीख में लिखा जाएगा इंडिया की ये जीत। तो नाजरीन आपने कमेंट में लाजिम तना, आपको वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस कैसी लगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़।